नमस्कार, क्रिएटिव विनीता चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कॉर्नफ्लेक्स नमकीन की रेसिपी। ये बनाने में काफ़ी आसान है और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए जानते हैं कॉर्नफ्लेक्स नमकीन को कैसे बनाया जाता है। कॉर्नफ्लेक्स नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला बनाएंगे। मसाला में हम लेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ी चम्मच, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। साथ ही इसमें हम डालेंगे आमचूर पाउडर, काला नमक और साथ ही ऐड कर देंगे हम चाट मसाला। इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम साइड में रख देंगे। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। एक पैन लेंगे और इसमें हम डालेंगे करीबन 200 ग्राम मूंगफली। आप चाहो तो मूंगफली को ड्राई रोस्ट भी कर सकते हो। मैं यहाँ आधी चम्मच घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मसाला कोट करने में घी की आवश्यकता पड़ेगी हमें, इसलिए मैंने घी का इस्तेमाल किया है। अदरवाइज़ मसाले अच्छे से कोट नहीं होंगे जब हम मसाले डालेंगे तब। अच्छे से इसे हमें भुनना है, अंदर तक सिक जाए। आप चाहो तो इसे फ्राई भी कर सकते थे, लेकिन फ्राई करने का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता, सेकने का रिज़ल्ट अच्छा आता है। वैसे ये भुन चुके हैं बट अंदर से कच्चे हैं, तो 5 मिनट के लिए और भुन लेंगे। अब ये भुन चुकी है अच्छे से। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बारीक कटी हुई हरी मिर्च और साथ ही ऐड कर देंगे करी पत्ता, फ्रेश करी पत्ता, और इसे भी हम भुन लेंगे जब तक मिर्च और करी पत्ता क्रंची ना हो जाए। गैस की आँच हमें कम ही रखनी है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। करी पत्ता और मिर्च क्रंची हो चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच मसाला जो हमने ऑलरेडी बना करके रखा था। गैस को हम बंद कर देंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मसाला अच्छे से कोट हो चुका है मूंगफली में, इसे हम साइड रख देते हैं ठंडा होने के लिए। ये मैंने लिया है कॉर्नफ्लेक्स, ये आराम से मार्केट में मिल जाता है कोई भी राशन की दुकान पे। ये करीबन मैंने 200 ग्राम लिया है यहाँ पे। अब इसे हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए तेल को मैंने ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल हमें अच्छा गर्म चाहिए इसमें, और इसे हम फटाफट से फ्राई कर लेंगे। झटपट से ही फ्राई हो जाते हैं ये। जिस तरह से पोहा को हम फ्राई करते हैं उसी तरह से इसे हमें फ्राई करना है। ये सारे मैंने फ्राई करके एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है, और जो मसाला हमने बना करके रखा था इसे हम गरम गरम में ही कोट कर देंगे, और जो मूंगफली हमने सेक कर रखी थी मसाला मिलाकर उसे भी ऐड कर देंगे। आप इस स्टेज पर काजू, किशमिश, बादाम उसे भी रोस्ट करके इसमें डाल सकते हो, उससे भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ पाउडर शुगर 4 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। ये मिक्सचर थोड़ी खट्टी मिट्टी ही अच्छी लगती है। अच्छे से इसे हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे आप एयर टाइट डब्बे में 10 से 15 दिन तक स्टोर करके इंजॉय कर सकते हो। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी कॉर्नफ्लेक्स नमकीन की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।